आज 29/10/2024 को कचहरी गाज़ियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था, जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग DJ साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नार सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफ़र कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई, मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली DJ साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो DCP सिटी, ACP कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, DJ साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स DJ साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुँचे और वहाँ पे जो चौकी पे मौजूद सामान फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे CCTV फुटेज और अन्य बयान सब लिए जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।